हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं बिंका के फ्लावर्स दिखा रही हूं, तो आज मैं इन्हीं की केयर टिप्स मतलब अपडेट के साथ में दिखाऊंगी, इनको ग्रो करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनको ग्रो किया जाता है और इनका कैसा रिजल्ट रहता है, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आपका है, ये बहुत ही खूबसूरत कलर के हैं और इनके मेरे पास में 4-5 कलर हैं और इन्हीं से मैंने बहुत सारे प्लांट्स जो है बना लिए हैं। तो आज मैं इन्हीं की आपके साथ में केयर टिप्स शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, देसी बिंका जो होता है बहुत ही हैवी ब्लूमिंग प्लांट होता है और आप देख सकते हैं हाइटेड भी है और ये ब्लूम भी बहुत ही ज़्यादा ब्लूम कर रहा है। और इसी में कि मेरे पास में 3 से 4 प्लांट हैं जो कि, तो मेरे जो बिंका हैं इतने ही हैं और भी जो हैं मैंने छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाई हैं, अपने से ही ग्रो किए हुए हैं, मैंने कोई भी परचेस नहीं किए हैं। तो इनकी केयर टिप्स की बात करूं तो सबसे पहले जो है, हम जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो किस प्राइस में लेकर आते हैं उसी से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं जो है इनको जो है 20-20 रुपये में लेकर आई थी। खाली मैंने ये वाला और जो है ये वाला कलर ऐड किया है, बाकी के मेरे पास में पहले से ही ये सब कलर जो थे पहले से ही थे पिछले साल के, तो उन्हीं के मदर प्लांट से मैंने इनको कटिंग से ग्रो किया हुआ है। तो कटिंग से ग्रो प्लांट आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी रहती है और ये जो है मदर प्लांट ही है, जैसे कि आपको दिख रहा है लैगी लैगी सा, तो इसको जो है मैंने प्रून कर दिया है तो इसकी ब्रांच इस तरीके से हो गई हैं। और इसमें का जो है मैंने सीडलिंग लगाई हुई हैं तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो मैंने जो है जो भी प्लांट ख़रीदे हैं, जैसे कि ये वाला है तो इसको भी मैंने 20 रुपये में परचेस किया था और मैंने नर्सरी शॉपिंग में दिखाया भी है मैंने जो भी बिंका परचेस किए हुए हैं। तो इसी तरीके की आपको दिख रहे हैं ऑरेंज शेड में, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इनकी सॉइल की बात करते हैं फ्रेंड्स, सॉइल कैसी होनी चाहिए। सॉइल जो है किसी भी प्लांट के लिए आप सॉइल बनाते हैं तो ऐसी सॉइल बनाएं जिससे कि मॉइस्चर बना रहे लेकिन जो है पानी जो है रुके ना इसमें, इस तरीके की मतलब कि बेलड्रन जो है सॉइल होनी चाहिए। तो सॉइल में जो है मैंने एक भाग जो है मिट्टी, एक भाग जो है सैंड यूज नहीं करती हूँ। जब से मुझे ये राइस हस्क मिला है तब से मैं सैंड का यूज जल्दी से नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी मिट्टी में जो है सैंड पहले से ही, मैं लगभग एक साल से सैंड यूज कर रही थी तो सैंड जो है मेरी मिट्टी में सैंड मिला ही रहता है, तो मैं अब सैंड नहीं डालती हूँ। सैंड से थोड़ा जो है वेट ज़्यादा हो जाता है पॉट का, तो मैं सैंड नहीं यूज करती हूँ। तो मिट्टी और राइस हस्क और फर्टिलाइज़र में आपके पास में जो भी फर्टिलाइज़र हो, किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र हो, कंपोस्ट हो, वो भी बहुत बेस्ट होती है, या आपके पास में बर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, इसमें से कोई भी चीज़ हो तो वो आप यूज कर सकते हैं। बस सिंपल सा फर्टिलाइज़र है, थोड़ा सा फंजीसाइड डाल लेती हूँ, फंजीसाइड के अपोजिट में आप जो है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर या हल्दी पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ये सब ऑर्गेनिक है। या आप चाहें तो सांप का फंजीसाइड परचेस कर सकते हैं, आपको कहीं भी ऑनलाइन जो है वेबसाइट पर या किसी भी फर्टिलाइज़र की दुकान पर आपको इजीली मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप इनकी सॉइल बनाएं। और पॉट का साइज़ की बात करूं तो आप देख सकते हैं मैंने तरह तरह के पॉट में इनको लगा कर रखा हुआ है, बड़े से पॉट से लेकर 18 इंच 12 इंच के पॉट से लेकर मैंने छोटे से छोटे 3-4 इंच के पॉट तक ही भी मैंने लगाया हुआ है इनको। तो आप किसी भी पॉट में लगाइए उसी हिसाब से प्लांट चलेंगे, लेकिन मिट्टी जो है एकदम वेलड्रन होनी चाहिए, मिट्टी में बस मॉइस्चर बना रहे और आप उनकी थोड़ी सी केयर करते रहें तो प्लांट जो है बहुत ही अच्छे चलेंगे। उसके बाद में जो है आप जो है इनकी फर्टिलाइज़र की बात करूं तो मैं जो है अभी गर्मी में तो मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूं, लेकिन जब भी दूंगी तो मैं किचन वेस्ट का जो हमारा वेस्ट निकलता है उसका फर्टिलाइज़र दूंगी। और उसके बाद में जो है इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो इसको जो है आप कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं या सीड से प्रोपोगेट कर सकते हैं। सीड से प्रोपोगेट करने के लिए आपको इस तरह के जो है सीड होते हैं, इसके सीड जो है इन्हीं की जो है ये इस तरीके की फलियां बनती हैं फूल के बाद में,
फलियां बनती हैं, ये जो आपको दिख रही हैं ये फलियां, तो मोस्टली सभी लोग जानते हैं। तो इन्हीं में से जो है जब वो एकदम ड्राई हो जाती हैं तो अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो ये अपने आप ही झड़ जाएंगी प्लांट से। तो इस तरीके के सीड होते हैं, तो इनको सीड को मैं आप ग्रो करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इनको ग्रो करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये है एक डिस्पोजेबल ग्लास, और इसमें जो है मैंने अपनी सॉइल रखी भर रखी है और मैंने वाटरिंग करी। तो ये जो आपको राइस हस्क दिख रहा है ऊपर दिख रहा है, तो बस सिंपल सा इसको भरना है। और जब भी आप कोई भी सीड लगाते हैं तो फर्टिलाइज़र थोड़ा सा खाद वगैरह ज़रूर डालें, जिससे कि आपके सीड जो है अच्छे जर्मिनेट हो। तो इसमें जो है मैंने जैसी सॉइल बताई है सेम वही है, मिट्टी कंपोस्ट और जो है ये राइस हस्क। तो इन्हीं सीड को जो है हम इसी तरीके से इन्हीं में बिखेर देंगे, इस तरीके से बिखेरने के बाद में, और फिर इसमें थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। और हमको जो है इसमें और वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से कर देंगे। 5 से 7 दिन में जो है, कभी मतलब तापमान के ऊपर रहता है, कैसा आपके यहाँ पर जो है मॉइस्चर रहता है उस हिसाब से रहता है। मेरे यहाँ पर जो है 7 दिन में जो है जर्मिनेट हो गए हैं। मैं इनका अपडेट भी देती हूँ, ये देखिए ये 7 दिन का अपडेट है। 7 दिन में जो है मेरे जो है बिंका के सीड जो है जर्मिनेट हो गए हैं, और काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन है। जितने सीड डाले थे ऑलमोस्ट सब जर्मिनेट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इनको जो है सीड को जर्मिनेट कर सकते हैं, इस तरीके से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरा प्लांट है कटिंग से लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। इसको मैंने पिंच कर ऐसा बना लिया है, आप देखिए। तो कटिंग से लगे प्लांट भी बहुत अच्छे हेल्दी होते हैं और अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। और सनलाइट की बात करूँ तो आप इनको फुल सनलाइट में रखिए, और बिल्कुल भी ज़्यादा ये केयर नहीं मांगते हैं। फुल सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है तो आप उसमें ये रखेंगे, इतनी भी गर्मी में नहीं रखना है। आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे 4-5 घंटे की सनलाइट आती हो, फुल सनलाइट, उसके बाद में जो है छाया रहती हो, भरी धूप दोपहर वाली 2 बजे के बाद वाली जो धूप रहती है वो ना मिले इनको। तो इस तरीके से इनकी केयर करनी है। उसके बाद में जो है आप इनको जो है पेस्टिसाइड के रूप में आप इनको कुछ भी नहीं, बस नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। इनमें कोई भी आपको कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और बहुत अच्छे से आपके प्लांट चलेंगे। तो इसी तरीके से मैं केयर करती हूँ। और ऐसे ही एक फली अगर आप निकालते हैं इसमें से, तो आपको जो है बहुत सारे इस तरीके के प्लांट रेडी मिल जाएंगे। तो 1 महीने में जो है ये प्लांट जो है इस तरीके का रूप ले लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे प्लांट हो जाते हैं। मैंने भी बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं और रिपोर्ट किए हैं, उनका भी अपडेट मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में दूंगी। तो इसी तरीके से केयर कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।